देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चार धाम यात्रा की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सबसे अधिक ध्यान सुरक्षित यात्रा पर दी जाए। यात्रियों को यदि ठहराया जा रहा है तो वहां पर उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रद्धालुओं की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए एक सप्ताह से रुके लोगों को यात्रा पर भेजा जा रहा है। अभी चारों धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जैसा कि आप सभी भली भांति विदित हैं कि हमारी चार धाम यात्रा 10 तारीख से तीन धामों में और 12 तारीख से बद्रीनाथ जी में और 25 तारीख से हेमकुंड साहब में, जो सिखों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, वहां की प्रारंभ हुई है। अभी तक का जो हमारे पास फिगर है उसके हिसाब से 23 तारीख तक का, जो मैं आपको अभी अवगत करा रहा हूँ, यमुनोत्री धाम में 179,932 हमारे तीर्थयात्रियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया है। गंगोत्री धाम में 166,191, केदारनाथ जी में 424,242 और बद्रीनाथ जी में 196,937, कुल मिलाकर 964,302 यात्रियों ने यात्रा अपनी संपादित की कर ली है।